told your friend you're not okay. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है संडे और मैं हूँ कसले मार्केट में। सुबह सुबह का समय है, करीब 9 बजे का अभी टाइम हो रहा है। सामने की है वैली मुक्तेश्वर घाटी की। तो खूबसूरत व्यूज़ के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी निकलना है भटेला मार्केट को। तो दोस्तों हम चल रहे हैं भटेला मार्केट को। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का काम है, उसको निपटाते हैं। और आजकल जो बारिशों के बाद ना, अगल बगल देखिए सड़क के कितने खूबसूरत लग रहे हैं पेड़, काफ़ी मस्त लग रही है हरियाली। तो चलते हैं भटेला मार्केट पे, अपना काम देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मुक्तेश्वर की सबसे बड़ी मार्केट भटेला मार्केट पर पहुँच चुका हूँ। सुबह सुबह का समय है और मार्केट में भी अच्छा खासा चहल हो रही है, यानी कि चहल पहल हो रही है। मुक्तेश्वर की सबसे बड़ी मार्केट है, धीरे धीरे दुकानें भी खुल रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं मार्केट में। तो हम लोग भी यहाँ पर अपना काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब दोपहर के 12 बजे का और मैं फिर से कसले मार्केट पे आ चुका हूँ। और अभी तक बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर की, आप देखिए रोडों में अभी भी पानी चल रहा है। और सामने है मुक्तेश्वर घाटी का नज़ारा, बिल्कुल कोहरे से पूरी ढकी हुई है घाटी। और सभी जगह अभी भरपूर बारिश हुई है करीब 1 घंटा। और बारिश के बाद का माहौल कुछ इस प्रकार का है। फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब दोपहर के 3 बजे का और मैं भी हूँ कसले मार्केट में ही। और ख़ास बात, मैं अभी गुड्डू भाई की शॉप में हूँ और भाई यहाँ पर मस्त जलेबी बना रहा है, जो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो ये देखिए भाई यहाँ पर जलेबी बनाने में लगा हुआ है। सुबह लगभग 5 बजे से भाई दुकान पर आ जाता है, सुबह भी जलेबी बनती है जो ख़त्म हो जाती है, अभी दोपहर के समय में फिर बनाई जा रही है। मस्त जलेबी बना रखी है और पास में देखिए कढ़ाई में चाशनी बना रखी है और मस्त यहाँ पर कढ़ाई में भाई जलेबी डाल रहा है। तो जलेबी, चाय और जलेबी की इनकी शॉप है और जो काफ़ी अच्छी चलती है कसले मार्केट में। और मैं आपको भी हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कसले से गुजरते हैं, चाय पीने का आपका मन होता है और आपको उम्दा चाय, जिसे मैं कह सकता हूँ एकदम टेस्टी चाय, तो भाई की शॉप पे आ सकते हैं और यहाँ पे चाय और जलेबी का आनंद ले सकते हैं। मैंने हमेशा बताया है इनकी जैसी चाय पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी और बढ़िया सस्ते दाम में देते हैं। तो काफ़ी समय से भाई इनकी यहाँ पे दुकान है, काफ़ी बरसों से, जब हम छोटे छोटे थे तब से इनकी दुकान है। आज लगभग 25-30 साल, भाई कितना हो गया होगा समय, बाकी हो गया होगा 25-30 साल के आसपास। तो लगभग 30 सालों से कसले मार्केट में अपनी ये चाय और जलेबी की दुकान चला रहे हैं, जो आज भी काफ़ी बढ़िया चलती है इनकी और काफ़ी अच्छा नाम भी है इनका मार्केट में। और आसपास के सभी क्षेत्रों में पता है कि अगर चाय पीनी है कसले मार्केट में आ रहे हैं तो इनके यहाँ पे जरूर आते हैं एक बार चाय पीने के लिए, क्योंकि इनके जैसी चाय यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलती है। और भाई तो लगा ही हुआ है अपना मस्त जलेबी वलेबी बनाने में। और इनकी ना शॉप की बालकनी से काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए नज़ारे, दोपहर में बारिश भी हुई थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान में क्लाउड देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है और जलेबी जितनी हमें खाने में टेस्टी लगती है और मेहनत भी उतनी होती है इसके पीछे। आप ये देख रहे होंगे हांडी में इन्होंने मैदा बना रखा है, क्योंकि जलेबी बनती है मैदे की। और मैदा जब भी ये घोलते हैं, यानी कि गूंथते हैं, लगभग 7 से 8 घंटे या 5 से 6 घंटे इसको रखा जाता है, ताकि उस पर बढ़िया खमीरा चढ़े और अच्छी जलेबी बने, जलेबी में टेस्ट आए। तो फाइनली फ्रेंड पहाड़ों पे आज के दिन की भी प्यारी सी शाम हो चली है और शाम को नज़ारे तो उतने खास कुछ दिख नहीं रहे हैं घाटियों पे, क्योंकि धुंध है। तो इसी खूबसूरत शाम के साथ ही दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आज आपसे मिलेंगे कल नए और एक और आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में तो आपसे मिलेंगे कल एक और नए फ्रेश और तो आपसे मिलेंगे कल एक और नए फ्रेश व्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।